Hello students and welcome back to my channel that is biology on your fingertips. आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो पार्ट जिसके बिना सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है. ये वो रिस्पॉन्स है जहां आपके विल की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं बहुत सिंपली अगर कहूं, ये वो रिस्पॉन्स है जहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. यानी आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट आते हैं जहां पे ब्रेन से पहले एक अदर कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्ट करता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है. सीएनएस में आप पढ़ चुके हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द टू कंपोनेंट्स. तो इस तरह की रिस्पॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है जो कि बहुत रैपिड होता है जहां पे ब्रेन को इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता. यानी इतना टाइम नहीं होता है कि ब्रेन को इन्वॉल्व किया जाए तब ब्रेन आपके एक्शन को प्लान करके एक्शन परफॉर्म कराए. आपको बात समझ में आ रही होगी. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात कहूं तो ये इतना रैपिड होता है जहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किचन में कोई वर्क कर रहे हैं, सडनली आपका हाथ या आपका कोई बॉडी पार्ट किसी गर्म यूटेंसिल से टच होता है जो आपके नॉलेज में नहीं है, तो आप क्या करते हो? अपने हाथ को बहुत तेजी से हटाते हो. आप स्कूल में कभी भी आप देखिए, कभी ना कभी आपको लाइफ में पनिशमेंट मिली होगी अगर टीचर आपकी तरफ हाथ उठा के बढ़ता है, तो आप क्या करते हो? आप बहुत तेजी से अपना मुंह हटाते हो, बहुत रैपिड आप रिस्पॉन्स करते हो. रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी बाइक का वटर, उसमें भी आप एक चीज नोटिस करिए, जब आपके सामने एक फ्लैश लाइट पड़ती है, बहुत तेज एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है, तो आप तुरंत अपनी आईज को क्लोज करते हो. ऐसे आपके नंबर ऑफ एग्जांपल्स डेली लाइफ से रिलेटेड है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है. तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो दीज आर ऑटोमैटिक शॉर्ट लिव्ड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स In which will is not involved. तो मैं रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत छोटी सी लाइन को मेंशन करने वाला हूं कि इट इज स्पॉन्टेनियस ऑटोमैटिक रैपिड रिस्पॉन्स इन विच In which will is not involved, जहां पे आपकी मर्जी शामिल नहीं है, तो will is not involved in this action. Okay? बात बहुत सिंपल से डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ में आ गई होगी. अब ये कैसे काम करता है, कैसे बॉडी रैपिडली रिस्पॉन्ड करती है, वो भी विदाउट ब्रेन, इस चीज को समझने के लिए इसका मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं ताकि मैं टाइम अपना सेव करूं और आपका भी टाइम सेव करूं और आप जल्दी से इस मैकेनिज्म को समझ जाएं. ओके, इस मैकेनिज्म में एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. जो रिस्पॉन्स आप परफॉर्म कर रहे हो, जो रैपिड एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, इसमें प्रीवियस लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि यहां पर दो तरीके से आप रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ने वाले हो. तो पहले जो कंडीशन है जिसमें प्रीवियस लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये वो एक्शन है जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, इसलिए इसको इनबॉर्न रिस्पॉन्स भी बोला जाता है. या सेकेंड अगर मैं कहूं, जो हमें फ्रॉम पेरेंट्स से ट्रांसमिट होके मिले हैं, यानी ये इनहेरिटेड भी रिस्पॉन्स है. तो अगर मैं भी बात करूं मैं रिफ्लेक्स एक्शन की, तो इट इज इनबॉर्न. मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न और इनहेरिटेड रिस्पॉन्स. इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं इसको. रिस्पॉन्स तो बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो मैं इसको सिर्फ नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं बोलूंगा. तो ये इनबॉर्न और इनहेरिटेड और रिफ्लेक्स या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर अनकंडीशनल
तो एटलीस्ट ये आपको समझना है कि कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉपर लर्निंग इज रिक्वायर्ड, प्रीवियस लर्निंग इज रिक्वायर्ड बिफोर एनकाउंटर द सिचुएशन. यहां पे क्या है, यहां पे नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड. सब कुछ आप बाय बर्थ जानते हो, क्योंकि आप जानते हो अगर आप रैपिड एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तो ये आपके सर्वाइवल में भी डिफिकल्टी पैदा करेगा. अब मैकेनिज्म जो हम समझेंगे बहुत इजीली आपको समझना है, और ये बहुत इजीली आपको फर्स्ट कंडीशन बताने वाला है, यानी अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो बताने वाला है. तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलेंगे नेचर एक्सपेरिमेंट. ओके, नेचर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, बहुत सिंपली समझिए. बॉडी में अगर मैं ब्रेन के एक्शन की भी बात करूं, तो एक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक स्टिमुलाई. स्टिमुलाई का मतलब एन एक्सटर्नल चेन जिस पे बॉडी रिस्पॉन्ड करे. फॉर एग्जांपल मैं यहां टैप कर रहा हूं तो ये स्टिमुलाई रिसीव कर रहा है. बात समझ में आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड भी यही करेगा, यानी स्पाइनल कॉर्ड भी अगर एक्शन प्लान करेगा या रैपिड रिस्पॉन्ड करेगा तो स्टिमुलाई का आना मस्ट है. तो स्टिमुलाई क्या है यहां पे, ये आपको समझना है. तो ये जो पोर्शन है ये नी का, नी कैप है विच इज नोन एज पटेला. ओके, एंड पटेला पे अगर हम एक हैमर से टैप करें, इस हैमर से अगर हम पटेला पे टैप करें तो टैप करने से क्या होगा, जब आप यहां पे टैप करोगे इसका मतलब इस पोर्शन पे स्टिमुलाई आएगा, इस पोर्शन पे स्टिमुलाई रिसीव होगा. तो ये जो पोर्शन है जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है इसको हम बोलेंगे साइट ऑफ स्टिमुलेशन. ओके, स्टिमुलेशन सॉरी, एंड इसको रिसेप्टर एरिया भी बोला जा सकता है. ओके, अब जैसे ये स्टिमुलाई रिसीव करेगा, जैसे स्टिमुलाई रिसीव करेगा अब ये मैसेज हमें तुरंत भेजना है स्पाइनल कॉर्ड पे. तो मैकेनिज्म क्या है, मैसेज को रिसीव करने के बाद जो पार्ट एक्टिव होता है वो है नर्व. तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बाय द रेड मार्कर ये इसका सेंसरी नर्व पाथवे, एंड जो रिटर्न आएगा वो इसका मोटर नर्व पाथवे. तो ये जो स्टिमुलाई रिसीव हुआ रिसेप्टर एरिया पे, तो ये रिसेप्टर एरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे याद रखनी है. रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी रिसेप्टर्स हैं, यानी मैं सिर्फ उन रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं जो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व हैं, ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं. ये इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि इनका शेप भी थोड़ा वरी करता है. ये सारी चीजें आप जब नीट क्वालिफाई कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको डिटेल बताई जाएंगी. एनसीईआरटी में हमें टाइप ऑफ रिसेप्टर्स वगैरह के बारे में, मतलब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आपने पढ़ा है, ऑल्फैक्टरी आपने पढ़ा है, थर्मो आपने पढ़ा है, गैस्ट्रो ऑन द टन पढ़ा है, तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आपको पता है. बट इन सारे रिसेप्टर्स का काम क्या है, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, स्टिमुलाई को रिसीव करना. तो ये भी स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है रिसेप्टर एरिया, क्योंकि हम पटेला पे अगर टैप करेंगे तो अंडरस्टूड है बोन से पहले ही मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आप बोन पे टैप करोगे तो मसल्स आपकी खिंचाव में आएंगी, सिकुड़ेंगी, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा. एंड ये मैसेज जो है ये बाय द अफरेंट नर्व, एंड अफरेंट नर्व कह लीजिए आप या सेंसरी नर्व कह लीजिए, सेंसरी नर्व के थ्रू और द थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड तक आए. अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन आपको समझना पड़ेगा. देखिए बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैसेज को रिसीव किया रिसेप्टर ने, एंड रिसेप्टर इसको सेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में बाय अ नर्व. तो ये अंडरस्टूड है, अगर ब्रेन रिएक्शन प्लान करता तो स्किन पे भी सेंसरी नर्व फाइबर ही होते जो मैसेज को कन्वे करते ब्रेन तक थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. यहां हमें सिर्फ ब्रेन तक नहीं आना है ना,
बट ये जो सेंसरी नर्व है ये मैसेज कन्वे कर रहा है थ्रू द डॉर्सल रूट गैंग्लियम। अभी डॉर्सल रूट गैंग्लियम क्या है ये भी चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियम आपको याद होगा मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बेसल गैंग्लिया के बारे में बताया था एंड उसमें मैंने टू मासेस ऑफ सेल बॉडी और द ग्रे मैटर के बारे में बताया था जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं बट यहां हम लोग पीएनएस डिस्कस कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ओके बात बहुत सिंपली आपको समझनी है। तो पीएनएस के थ्रू मतलब जो ये अफरेंट नर्व है या जो सेंसरी नर्व फाइबर है इट्स अदर नेम ऑफ अफरेंट नर्व। तो ये नर्व फाइबर तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको याद होगा मैंने बताया था जो आपके सरफेस से अराइज होते हैं तो ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये अंडरस्टूड है कि ये जो पार्ट है मतलब ये जो नर्व फाइबर है वो पीएनएस का पार्ट है। अब ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या है ये मास ऑफ साइटोन है मास ऑफ सेल बॉडी है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को मेंशन करूं मान लीजिए ये सेल बॉडी है और इस तरह से एक्सॉन का प्रोजेक्शन है। ओके तो ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो सेल बॉडी का मास है ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। गैंग्लियन का फंक्शन क्या होता है एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या है। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन का मतलब हो गया मास ऑफ साइटोन तो ये मास ऑफ साइटोन हो गया। ओके मास ऑफ साइटोन साइटोन कह लीजिए सेल बॉडी कह लीजिए या ग्रे मैटर भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे ये चीज करता क्या है इसका काम क्या है ये मैसेज को फॉर शॉर्ट बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये स्टोर कर लेता है ताकि ये मैसेज जो है बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल जाए। यूनिडायरेक्शनल क्यों अब आप समझिए ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं अगर इस सबको हम इन सबको मतलब इस पूरे को हम मास ऑफ साइटोन मान लें तो लगेगा क्या हमें कि एक एक्सॉन मैसेज लेके यहां जा रहा है। बात बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक्सॉन मैसेज लेके यहां जा रहा है फिर एक एक्सॉन मैसेज लेके आगे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बट ऐसा है नहीं ये एक्चुअली जो पूरा पैसेज है एक्सॉन टू एक्सॉन ये एक ही है। यानी इस कंडीशन में अगर हम बोले तो अगर हम दो प्रोजेक्शन देखते हैं तो आपको याद होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में कि ये बाइपोलर कंडीशन बन जाएगी बट यहां पे ये कनेक्टेड है। अगर मैं इसको एरो से इंडिकेट करूं तो ये कनेक्टेड है यानी ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्शन होगा इसका काम सिर्फ इतना है ये यूनिफॉर्म और यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करे। ओके तो ये जो प्रोजेक्शन बन जाएगा न्यूरॉन की तरह इसको सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अब याद रखिएगा सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो क्यों सीडो का मतलब क्या होता है सीडो का मतलब फॉल्स एंड यहां पे फॉल्स प्रोजेक्शन बन रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक ही एक्सॉन है जो मैसेज को रिसेप्टर से कन्वे करके स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जा रहा है तो दैट्स व्हाई हमें सिर्फ दिख रहा है कि ये एक प्रोजेक्शन यहां है और एक प्रोजेक्शन यहां है बट है नहीं प्रोजेक्शन एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो ये जो प्रोजेक्शन बनता है ये फॉल्स बन जाता है दैट्स व्हाट इज नोन एज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अल्टीमेटली होगा क्या ये सेंसरी न्यूरॉन और सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व मैसेज को लेके आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है मॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या हुआ ये तुरंत मैसेज को कन्वर्ट करेगा यानी सेंसरी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोटर क्योंकि पहले तो मैसेज को रिसीव किया गया अब एक्शन प्लान करना है एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जो मैसेज आप देख रहे हैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इस पर ध्यान रखिएगा ये मैसेज आप देखिए ये दो ट्रैक के थ्रू जा रहा है दिख रहा होगा ना आपको बहुत ध्यान समझिए
एक ट्रैक आप देखिए ये जा रहा है और एक ट्रैक ये नीचे जा रहा है। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होके ये रिसेप्टर पे अपने एक्शन को परफॉर्म करने आ रहा है, तो ये अंडरस्टूड है। अगर अफ्रेंट गया है मैसेज को लेके तो इफ्रेंट आएगा अपने एक्शन को लेके आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों ही इफ्रेंट बनेगा ना, इफ्रेंट बनेगा या यहां पे इसको हम मोटर भी बोल सकते हैं, इफ्रेंट या मोटर नर्व। बट यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सिंपली चीज समझनी है, ये दो नर्व ट्रैप्ड क्यों आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड ने तो मॉड्यूलेट कर दिया मैसेज को, रिसीव करने के बाद एक्शन प्लान कर दिया, रैपिड रिस्पॉन्स दे दिया। बट ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप जानते हैं मसल्स के बारे में तो एंटागोनिस्ट मसल्स का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं एक वीडियो इस पर भी प्रिपेयर करूंगा। एंटागोनिस्ट मसल्स वो होती है जिसमें दो मसल्स पैरेलली प्रेजेंट होती है, जैसे आपकी ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा। ये बार बार याद रखिएगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है। सेम चीज हमारे इन मसल्स के साथ भी है कि नहीं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा ना। तो एक्शन कैसे बनेगा, यानी ये जो पहला इफ्रेंट नर्व आ रहा है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, बात समझ में आ रही है, एंड जो सेकेंड इफ्रेंट नर्व है ये मसल्स को रिलैक्स करेगा। क्योंकि अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो आपकी मसल एक एक पिलर की तरह हो जाएगी, एक हार्ड स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगी, मूवमेंट नहीं होगा, बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये जैसे ही कन्वर्ट होगा सेंसरी से मोटर में या अफ्रेंट से इफ्रेंट में, तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जंक्शन बना हुआ है, एक ये इंटर न्यूरॉन जो मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है और एक ये जो तुरंत अपने एक्शन को लेकर बढ़ गया है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो इस पूरे मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मैकेनिज्म पांच इंपॉर्टेंट स्टेप में डिवाइडेड है। अब आप पूछेंगे ये पांच स्टेप्स क्या थे, द फर्स्ट एरिया रिसेप्टर एरिया विच रिसीव द स्टिमुलाई, रिसेप्टर का मेजर फंक्शन क्या था, रिसीव द स्टिमुलाई, ओके, देन इसमें अफ्रेंट नर्व फाइबर या सेंसरी नर्व फाइबर जो मैसेज को कन्वे करके लेके जा रहा है। थर्ड क्या था, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या था, स्पाइनल कॉर्ड मॉड्यूलेटर है, मैं यहां मेंशन भी कर दे रहा हूं, रिसेप्टर विच रिसीव्स द स्टिमुलाई, ओके, अफ्रेंट नर्व और सेंसरी नर्व विच कैरीज द मैसेज टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, हमारा समझ में आ रही होगी। एंड ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मॉड्यूलेटर का काम करेगा, ये कन्वर्ट करेगा सेंसरी को इनटू मोटर, फिर एक्शन लेके जाना है हमको बाय द इफ्रेंट नर्व और मोटर नर्व फाइबर। तो फोर्थ वन इज इफ्रेंट और मोटर नर्व फाइबर फॉर द एक्शन प्लान। बहुत इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि सिर्फ ये चीज आपको समझनी है, इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इफ्रेंट जो या मोटर जो नर्व फाइबर है ये फॉर द एक्शन प्लान, एंड द फाइनल वन इज इफेक्टर। और अगेन इफेक्टर में यहां पे क्या हो जाएगा, मसल्स एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा। तो फिफ्थ वन इज इफेक्टर, ओके, इफेक्टर क्या परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी इफ्रेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड रिलैक्स होंगी।
अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। रिफ्लेक्स एक्शन की एक और बात आपको याद रखनी है, मैंने रैपिड भी लिखा है बट शॉर्ट लिव्ड भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन में एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि बहुत जल्दी से ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है और एक्शन प्लान हो जाता है। ओके, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू द एफरेंट नर्व टूवर्ड्स इफेक्टर, इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स आर्क मीन्स शॉर्टेस्ट पाथवे फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन बाय द नर्व फाइबर। शॉर्टेस्ट पाथवे फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन बाय नर्व फाइबर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इन शॉर्ट, जितना रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है उतना रिफ्लेक्स आर्क भी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये कंडीशन जो आप फेस कर रहे थे या जो एक्शन आप प्लान कर रहे थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये इनवॉल्व है एंड इसी को अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही? कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है इसको भी आप बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किया है। मगर कंडीशन रिफ्लेक्स में एक एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बाय आईपी पावलोव, जिसको हम बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स बोलते हैं। तो ये आईपी पावलोव का एक्सपेरिमेंट है। ओके, आईपी पावलोव एक्सपेरिमेंट और बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, बेल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया गया, यानी यहां पे स्टिमुलाई को इंड्यूस करा के एक्शन को नोटिस किया गया कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम कंडीशनल डेवलप करें तो क्या ये पॉसिबल है। मैं बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं, जब आप साइकिलिंग सीखते हो लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे पहले से ही कंडीशनल रिफ्लेक्स आपके दिमाग में बन जाता है जो प्रीवियस या प्रॉपर आपकी लर्निंग पे बेस्ड होता है। वो क्या होता है, जब साइकिल या स्कूटी आप सीखते हो तो सबसे पहली चीज ये होती है कि अपने पैर को आप बाहर रखते हो, किन केस अगर कोई डिसबैलेंस होगा तो आप अपने स्कूटी को या अपनी साइकिल को हैंडल कर लो। बात समझ में आ रही? तो ये एक तरह का कंडीशन रिफ्लेक्स है कि ये भी अचानक से डिसबैलेंस होगी स्कूटी या साइकिल, तो उस कंडीशन में भी आप सडन एक्शन परफॉर्म करोगे, रैपिड एक्शन परफॉर्म करोगे। बट समझिएगा इस चीज को, बट एक्शन पहले से ही प्लान चल रहा था, तो वहां पे ये कंडीशन बन जाएगी कंडीशन रिफ्लेक्स। सेम चीज पावलोव ने किया था डॉग पे, डॉग पे क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, जब डॉग को पावलोव सेम टाइम पे फूड दे रहे थे, तो जो साइट ऑफ फूड और स्मेल ऑफ फूड है, वो स्मेल ऑफ फूड सलाइवेशन डेवलप करता है डॉग में। ये बात आप जानते हैं, दिस इज अनकंडीशन सलाइवेशन ऑन द साइट ऑफ फूड और ऑन द स्मेल ऑफ फूड इज अनकंडीशन। बट कुछ टाइम के बाद पावलोव ने क्या किया, जब फूड का टाइम होता था डॉग का तो एक बेल रिंग करते थे, बेल की आवाज सुन के एक बार दो बार तीन बार धीरे धीरे डॉग हैबिचुअल हो गया एंड उसको ये मालूम चल गया कि ये बेल उसके फूड के टाइम के लिए एक अलार्म है। तो क्या होने लगा, अब जब जब डॉग उस बेल को सुनता, जब जब वो बेल पावलोव बजाते, जब जब वो डॉग उस बेल को सुनता, सिर्फ उस बेल की हियरिंग से ही सलाइवेशन डेवलप हो जाता। तो बेल को रैन करके डॉग में एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्स डेवलप करना एक कंडीशन रिफ्लेक्स की तरफ इशारा करता है।
आई होप आप बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं इन द केस ऑफ कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स, बट मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस बारे में एनसीईआरटी ने इतना ही बताया है, तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। अभी जब नीट आप क्वालिफाई करेंगे आगे बहुत पढ़ना है फॉर एमबीबीएस, फॉर बीडीएस एंड शायद बीडीएस में तो बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, बट एमबीबीएस में आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो आई होप ये सिंपल सा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द कंटेंट एंड लाइक द वीडियो।